तो दोस्तों आज भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है पाकिस्तान से। और आप सभी भी जानते हो कि पाकिस्तान से पिछले कुछ दिनों एक खबर निकल के सामने आई थी कि पाकिस्तान के अंदर बाढ़ के कारण काफी ज्यादा तबाही हो चुकी है, इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि वह भारत से अब सब्जियां और खाने पीने की सामग्री खरीदे। परंतु पाकिस्तान इस बात को लेकर रौब में आ गया और पाकिस्तान ने इस बात को लेकर रौब झाड़ा कि हमारे पास तो पर्याप्त मात्रा में खाने पीने की चीजें हैं और इसलिए हम भारत से क्यों फालतू में सब्जियां और खाने पीने की चीजें मंगाए, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में बाढ़ के कारण खाने पीने की चीजों की काफी ज्यादा कमी आ चुकी है। परंतु फिर भी पाकिस्तान के मंत्रियों की तरफ से भारत को ही अकड़ दिखाई गई। और आप सभी को मैंने उस समय वीडियो बनाकर भी बताया था कि पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थों का स्टॉक उपलब्ध है और इसलिए भारत से सब्जियां और खाद्य सामग्री इम्पोर्ट करने का हमारे पास कोई भी प्लान नहीं है। परंतु मैंने उसी वीडियो में आपको यह भी बताया था कि अभी आप एक महीने रुक जाइए, पाकिस्तान झक मार के भारत के पास आएगा, और ऐसा हुआ भी है। और स्क्रीन के ऊपर आप सभी एक स्क्रीनशॉट देखिए जिसके माध्यम से ऐसी जानकारी दी गई है। अब जो पाकिस्तान के व्यापारी हैं वो पाकिस्तान की सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं, साथ में पाकिस्तान की सरकार से इस बात का भी आग्रह कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के व्यापारियों को अनुमति दे और भारत के साथ जो व्यापार बंद हो चुका है उसको एक बार फिर से खोला जाए। साथ में पाकिस्तान के व्यापारियों का यह भी कहना है कि केवल भारत के साथ व्यापार करने से ही पाकिस्तान की जनता को राहत पहुंचाई जा सकती है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो व्यापार होता है वो अन्य देशों के व्यापार की तुलना में पाकिस्तान को काफी ज्यादा सस्ता पड़ता है। इसलिए पाकिस्तान के व्यापारियों ने भारत समेत अन्य 4 पड़ोसी देशों के साथ फिर से व्यापार स्टार्ट करने के लिए पाकिस्तान की सरकार से आग्रह किया है। फिलहाल में आप सभी की इस टॉपिक के अंदर क्या राय है और क्या पाकिस्तान भारत से यदि मदद मांगता है तो क्या भारत को मदद करनी चाहिए, हाँ या फिर ना, कमेंट बॉक्स में फिर आवाज़ दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।